नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हम करेंगे क्लास सेवेंथ का प्रैक्टिस सेट सिक्स। तो ये देखिए यहाँ पे क्या दिया है, राइट द नेम्स ऑफ पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट्स, यूज अ डिवाइडर टू फाइंड देम। हमें बताना है कि इसमें कौन कौन से लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है और उसके लिए हमें डिवाइडर का यूज करना है। तो पहले यहाँ पर देखिए हम डिवाइडर की हेल्प से इसमें फाइंड आउट करते हैं कि कौन कौन सी लाइन कॉन्ग्रुएंट है। तो ये देखिए एम जी पहले हम लेते हैं, ये देखिए एम जी, एम जी, ये देखिए ये एन जी और ये एम जी, दोनों भी क्या है कॉन्ग्रुएंट है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेक एम जी कॉन्ग्रुएंट टू एन जी। अब देखते हैं कि एम जी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा। देखिए एम जी जी बी के नहीं होगा, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा ये देखिए यहाँ पे जी और आर के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेग एम जी कॉन्ग्रुएंट सेग जी आर। तो ये एक हो गया। अब और देखते हैं कि और कौन से कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम जी सी लेते हैं, जी सी ये देखिए हमने जी सी लिया और अब ये देखते हैं कि किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ये देखिए जी बी के। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेक जी सी कॉन्ग्रुएंट है सेक जी बी के, हो गया। और हम देखते हैं कि कौन सा कॉन्ग्रुएंट है। जैसे अगर हम जी लेते हैं, जी और देखिए जी और ई लिया हमने, तो अब देखते हैं कि ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, ये देखिए जी आर के। जी किसके कॉन्ग्रुएंट है, जी आर के। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे से जी ई कॉन्ग्रुएंट टू से जी आर, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। पहले देखिए सेगमेंट एम जी मतलब एम जी किसके कॉन्ग्रुएंट है, एन जी के। फिर सेक एम जी, एम जी किसके कॉन्ग्रुएंट है, जी आर के, मतलब ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है। फिर उसके बाद सेगमेंट जी सी, तो जी और सी किसके कॉन्ग्रुएंट है, जी बी के, मतलब ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद जी, जी किसके कॉन्ग्रुएंट है, जी आर के, और जी आर के जगह पे हम लोग एन जी भी लिख सकते हैं, एम जी भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये चारों क्या है कॉन्ग्रुएंट है, मतलब जी, जी आर, एन जी, एम जी, ये सब क्या है कॉन्ग्रुएंट। तो हमने यहाँ पे जी आर लिखा है, आप चाहे तो एन जी भी लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, ऑन द लाइन बिलो द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजॉइनिंग पॉइंट्स ऑन ऑन इट इज इक्वल, हेंस फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। जैसे यहाँ पे देखिए क्यू पी जितना होगा पी जेड भी उतना ही होगा, जेड वाई जितना होगा वाई एक्स भी उतना ही होगा, मतलब हर एक के बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो हमें उसकी हेल्प से जो ये ब्लैंक दिया है उसको फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने फिल करके रखा हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिए सेग ए बी, यहाँ पे देखिए ए और बी कॉन्ग्रुएंट होगा सेग डब्ल्यू ए, ये देखिए मैंने डब्ल्यू ए लिखा है। तो आप चाहे कुछ भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो बी सी भी लिख सकते हैं, एक्स डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, वाई एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। बस वो दो पॉइंट आना चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट वन हो गया। फिर सेकेंड वन क्या दिया है, ए पी कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट वाई सी के, मैंने यहाँ पे वाई सी लिखा है, क्यों वाई सी लिखा है, देखिए सेगमेंट ए पी, ए पी, अब देखिए इन दोनों के बीच में कितने पॉइंट आ रहे हैं, वन टू थ्री फोर, कितने पॉइंट आ रहे हैं, चार पॉइंट आ रहे हैं। तो वाई सी मैंने लिखा है क्यों, क्योंकि इसके बीच में भी चार पॉइंट ही आएंगे। कैसे, वाई टू सी, देखिए वन टू थ्री फोर हो गया ना। तो आप चाहे तो वाई सी की जगह पे ये भी लिख सकते हैं, जैसे Q से लेके कहाँ तक आप लिख सकते हैं, W तक लिख सकते हैं, कैसे, वन टू थ्री फोर, मतलब इसमें चार पॉइंट आ गए।
तो आप चाहे तो इसकी जगह पे YC ना लिख के कुछ और भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे सेगमेंट AC कॉन्ग्रुएंट है सेक। अब देखिए AC इस दोनों के बीच में कितने पॉइंट आ रहे हैं, बस एक ही पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, देखिए QZ, क्योंकि QZ के भी बीच में क्या आ रहा है, एक ही पॉइंट आ रहा है। तो आप चाहें तो यहाँ पे YW भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही पॉइंट आ रहा है। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आप इसमें से अपने मन से भी लिख सकते हैं। फिर इसमें क्या है, सेगमेंट PW, तो PW कॉन्ग्रुएंट होगा सेग BY के। यहाँ पे देखिए BY, तो BY कहाँ पे आ रहा है, देखिए B से Y कितने पॉइंट आ रहे हैं इन दोनों के बीच में, 1, 2, 3। तो इसका आंसर हमने क्या लिखा है, देखिए PW क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए 1, 2, 3 इन दोनों के भी बीच में कितने पॉइंट आ रहे हैं, 3 पॉइंट आ रहे हैं, इसलिए इसका आंसर होगा PW। आप चाहे तो कोई और लिख सकते हैं, जैसे H2C लिख सकते हैं, क्योंकि 1, 2, 3 इन दोनों के बीच में 3 पॉइंट आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने PW लिखा है, तो ये भी जो आंसर है वो राइट है। फिर 51 क्या दिया है, सेग ये तो हमें फिल करना था, यहाँ पे सेगमेंट YQ दिया था, देखिए Y2Q। अब ये इन दोनों के बीच में कितने पॉइंट आ रहे हैं, 1, 2। तो इसका आंसर क्या लिखा है मैंने, YA लिखा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी कितने पॉइंट आ रहे हैं, 2 पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है, देखिए कैसे Y2A, तो 1, 2 कितने पॉइंट आए, 2 पॉइंट। और यहाँ पे सेग BW, तो BW कितने पॉइंट आए, एक ही पॉइंट आया। तो इसमें से हम कोई भी आंसर लिख सकते हैं, जैसे QZ लिख सकते हैं, ZX लिख सकते हैं, YW लिख सकते हैं, तो वो तो आपके ऊपर है। तो इसका आंसर मैंने क्या लिखा है, ZX, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी कितने पॉइंट आ रहे हैं, एक ही पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट 6 कंप्लीट हो गया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।